में लोकसभा उपचुनाव से पहले और दिल्ली में चल रहे विरोध के बीच किसानों ने दोनों ही राजनीतिक दल यानी कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। नहर नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए 162 गांव के सैकड़ों किसानों ने खंडवा में बड़ा प्रदर्शन किया। शहर की सड़कों पर ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों ने रैली निकाली, जिसमें खंडवा और पंथाना विधानसभा के कई किसान शामिल हुए। किसानों की मांग है कि आचार संहिता के पहले गांवों को नहर से जोड़ा जाए। चुनाव से पहले आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगे उसके पहले गांव को नहर से जोड़ा जाए, ये इनकी मांग है। दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के बीच में खंडवा में भी किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पे नहर नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए सैकड़ों किसान जो है आप देख सकते हैं ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। पीछे मेरे इतने सारे किसान जो है उनकी मांग है कि उनकी गांवों को नहर से जोड़ा जाए। आइए हम इनसे बात करते हैं किसानों की क्या मांगे हैं और वो क्या चाहते हैं। बताइए आप जो है क्या मांग लेकर आप जा रहे हैं आज? खंडवा लिफ्ट इरिगेशन और झिरनिया लिफ्ट इरिगेशन की प्रशासनिक स्वीकृति की मांग लेकर 162 गाँव के किसान दादाजी की नगरी में अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ, सर्वोच्च 162 गाँव का प्रतिनिधित्व आपको ये आग्रह करता है, बार बार समूचे 3 साल से हम ये जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। समूचे पूरे जिले में नर्मदा इंदिरा सागर के 254 गाँव प्रभावित है और पूरे जिले का सिंचित होने का अधिकार है, वही अधिकार मांगने आज कलेक्ट्रेट महोदय को हम ज्ञापन देंगे। अगर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी जाती है तो 162 गांव के किसान चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं किसानों ने साफ कह दिया है कि खंडवा में होने वाले उपचुनाव में उसका वो बहिष्कार करेंगे यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। तो शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा।